सेल्फ कविता यादव, एसएस टीचर, सूरज स्कूल, महेंद्रगढ़। बेटा हमारा 9th का टॉपिक चल रहा था, लेसन नंबर 3 ज्योग्राफी में ड्रेनेज, जिसमें हमने रिवर्स कर ली थी, हिमालय रिवर्स। आज का हमारा टॉपिक होगा, वो होगा पेनिसुलर रिवर्स। पेनिसुलर रिवर्स में सबसे पहले हम नदियाँ देखते हैं कौन कौन सी होती है, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। नर्मदा और तापी जो रिवर है वो हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और जो हमारी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। नर्मदा और तापी जो है वो हमारी अरेबियन सी में गिरती है, और ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो है वो हमारी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। अब सबसे पहले हम नर्मदा रिवर के बारे में पढ़ेंगे। नर्मदा रिवर देखो कहाँ से राइज होती है, ये राइज होती है मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल से। यहाँ से ये राइज होती है, ईस्ट फ्लो टुवार्ड द ईस्ट, और ये फ्लो होती है टुवार्ड्स द वेस्ट इन ए रिफ्ट वैली। फॉर्म्ड क्या बनाती है फिर, ड्यू टू फॉल्ट। द मार्बल रॉक्स, इसकी जो रॉक्स है नियर जबलपुर वेयर द नर्मदा फ्लोस थ्रू ए डीप जॉज एंड द धुआंधार फॉल्स बनाती है। इसमें ये जो कौन कौन से एरिया कवर करते हैं देखो, एमपी और गुजरात। इसकी जो लेंथ है वो हमारी 1300 किलोमीटर है, और उसके बाद ये हमारी गिर जाती है अरेबियन सी में। उसके बाद नर्मदा के बाद जो हमारी दूसरी वेस्ट फ्लोइंग है रिवर है वो है तापी। ये भी राइज होती है मध्य प्रदेश में, इन द सतपुड़ा रेंज। इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इट आल्सो फ्लो, ये कहाँ पे फ्लो होते हैं, इट आल्सो फ्लोस इन ए रिफ्ट वैली, ये भी रिफ्ट वैली में ही चलती है। पैरलर किस, पैरलर टू नर्मदा रिवर। बट इसकी लेंथ छोटी होते हैं, इट इज मच शॉर्टर इन लेंथ, लेंथ में छोटी होती है। अब ये कौन कौन से पार्ट्स को कवर करती है, कवर्स पार्ट देखो इसका कौन कौन सा है। सबसे पहले ये कवर करती है मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात, और उसके बाद महाराष्ट्र। इन सबको ये पार्क अपने कवर करती है, और ये भी अरेबियन सी में गिर जाती है, फॉल इन अरेबियन सी। अब इसकी मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, अब इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो देखो, सबसे पहले माही, साबरमती एंड पेरियार। ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। अब हम
इस फॉलोइंग रिवर में सबसे पहले पढ़ेंगे गोदावरी, गोदावरी। अब ये गोदावरी देखो कहाँ से निकलती है, इट राइज फ्रॉम द स्लूप्स ऑफ वेस्टर्न घाट इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में होते हैं। इस लेंथ इज अबाउट, इसकी जो लेंथ है वो 1500 किलोमीटर होती है और ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। इसकी लंबाई पेनिनसुला रिवर में सबसे ज्यादा लंबी है, इसलिए इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं। ये इसके लिए मेन इंपॉर्टेंट बात है, दक्षिण गंगा, क्योंकि साउथ में सबसे ज्यादा इसी नदी की लंबाई है, इसलिए इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं। इसके अब ये कौन कौन से पार्ट्स को कवर करती है, गोदावरी जॉइंट में इसकी ट्रिब्यूटरीज देखते हैं पहले। तो ट्रिब्यूटरीज देखो इसकी, पूर्णा, वर्धा, कर्णिता और मंजरा, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो जो इसकी लंबाई में इसकी हेल्प करती है। और इसका कवर्स देखो महाराष्ट्र, कवर्स को पार्ट्स देखो महाराष्ट्र, एमपी, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ये इसको कवर्स करती है पार्ट, इसकी लंबाई के कारण इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं। ये इसकी ट्रिब्यूटरीज होगी, ये इसके पार्ट्स हो गए, ये कहाँ से निकलते हैं ये हो गया। इसके बाद जो हम रिवर, इसके बाद पेनिनसुला की जो अगली रिवर आएगी वो आएगी महानदी, ये कहाँ से निकलती है देखो, द महानदी महानदी राइज इन हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से निकलती है, इट फ्लो थ्रो, और फ्लो देखो कहाँ से होती है, उड़ीसा टू रीच द बे ऑफ बंगाल, और फिर वो बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इसकी जो लेंथ है वो 860 किलोमीटर है। इसकी जो ड्रेनेज बेसिन शेयर्ड बाय, अब देखो कहाँ कहाँ पे शेयर करते हैं ये, इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। उसके बाद जो हमारी पेनिनसुला रिवर में जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है वो है कृष्णा, कृष्णा ये कहाँ से राइज होती है, राइजिंग फ्रॉम ए स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, और ये कितने किलोमीटर है महाबलेश्वर के नियर से राइज होती है, इसकी जो लेंथ है वो है 1400 किलोमीटर, और ये 1400 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये भी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, रीच हो जाती है वहाँ पर, इसको ड्रेन कहते हैं बंगाल में। अब इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो देखो,
इसकी जो घाट गरबा द मूसी एंड द भीमा, ये इसकी ट्रिब्यूटीज है। और ये ड्रेनेज कहाँ होते हैं, द ड्रेनेज बेसिन देखो इसका, इज शेयर्ड बाय, किस किस के साथ ये शेयर्ड करती है, महाराष्ट्र कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश, ये इसके कवर एरिया को कवर करता है। इसके बाद हमारी जो पेनिनसुला की जो लास्ट रिवर आती है वो होती है कावेरी। अब ये कहाँ से निकलती है, कहाँ पे गिरती है, ये वो देख लेते हैं। कावेरी जो होती है ये निकलती है हमारे वेस्टर्न घाट से, एंड दिस द बेंगा ब्रह्मगिरी रेंज के वेस्टर्न घाट से निकलती है और फिर वो बेव बंगाल में रीच हो जाती है। इसकी जो लेंथ है वो 760 किलोमीटर है। इसकी जो ट्रिब्यूटीज है वो देख लो, इसकी जो ट्रिब्यूटीज है वो है अमरावती, मावनी, हेमावती एंड अब ये बेसिन कौन कौन से पार्ट्स को कवर करती है, पार्ट्स कवर्स बाय बेसिन वो देखो कौन कौन सा है, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। इस नदी के बाद में, इस नदी के बारे में एक चीज और है, रिवर कावेरी मेक द सेकंड लार्जेस्ट, ये सेकंड लार्जेस्ट बिगेस्ट वाटरफॉल बनाती है जिसे हम शिव समुद्रम कहते हैं। जो हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में काम आती है। ये हमारी रिवर थी जो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।